हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको बॉर्डरदार कपड़े का सादा ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। जो हमारी नाप है सादा ब्लाउज की 14 इंच लंबाई, 37 इंच छाती, 31 इंची कमर का, और बाजू लंबाई 4.5 इंची और बाजू की मोहरी 12 इंची। नाप ये है मेरी। इस नाप का आज हम ब्लाउज काटते हैं आपके सामने। देखिए, पहले कपड़े को इस तरीके से आप रखेंगी, एक बॉर्डर हमारा बैक में जाएगा और दूसरे तरफ का बॉर्डर हमारा बाजू में जाएगा, ठीक है ना। 37 इंच छाती है तो पीछे का पीस ले रहे हैं, जो कि हमारा 9.25, ये लिया, और पीछे दबाव के लिए हमने साइड में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया। लंबाई हमारी 14 इंच है ब्लाउज की, इसलिए हम 14 की जगह 15 लेंगे, क्योंकि पीछे दबाव के लिए हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर अगर हम दबाते हैं तो बॉर्डर कट जाएगा, इसलिए हमें नीचे दबाव के लिए दूसरी पट्टी देनी पड़ेगी। 5.5 इंच का तीरा रखें, ये बैक का पीस कर रहा, 6 इंच आप मुड्ढा बनाइए, ये आपका बैक का मुड्ढा हो गया है। 2.5 इंच का गला रखें, पीछे का गला हमारी इच्छा 7.5 इंच है, आप अपने इच्छा अनुसार गले को डीप या कम डीप भी कर सकती हैं। इस तरीके से गले का 7.5 इंच का खांचा बनाने के बाद में उसमें शेप दें गले का मनचाहा, ये आप तीरा लेंगी। इसके बाद में आप 1 इंच यहाँ से नापने के बाद में स्टेप नाप 9 पे डालेंगी और 1.5 इंच छोड़ के एक बैक की डॉट डालेंगी। डॉट डालने के बाद में अब ये हमारा पीछे का पोर्शन का निशान लग गया, आगे का पोर्शन का निशान लगाते हैं। आगे का पोर्शन का निशान हम इधर से लगाएंगे, जिससे कि हमारे बाजू की लंबाई पूरी निकल जाएगी। 9.25 ये, और इसके बाद में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें भी दबाव के लिए ले लेते हैं, और हमारा जो है 14 इंच लंबाई है तो हम 14 इंच की जगह 16 इंच ले लेंगे। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 80 सेंटीमीटर कपड़े में ये फुल ब्लाउज नहीं निकल पाता है, और बॉर्डर भी देना मुश्किल हो जाता है दोनों तरफ। 5.5 यहाँ पे भी इसका भी तीरा लेंगे, और ये मुड्ढा आपका जाएगा 6 इंची, ये निशान लगा लेने से क्या होता है कि हम एक बार में ही सिलाई देंगे और हमारे ब्लाउज की फिटिंग एक बार में ही अच्छी आ जाएगी, हमको बार बार नापने जोखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसमें भी 2.5 इंच का आगे का गला लेंगे, और आगे का गला 6 इंची पसंद अनुसार हम रखते हैं। ये पार्ट खुला रहता है, इसलिए हमने खुले भाग की तरफ इसको लिया है, और हमारा ये पोर्शन भी काम आ गया है, जिससे कि हमारी लेंथ पूरी निकल आई है ब्लाउज की, और इसको इस तरीके से ले लिया। ये हमारा सिलाई वाला डॉट्स है, ये आप इस डॉट को ऐसे समझें। यहाँ पे भी हम तीरे को 1/2 इंच ढलान देंगे और 1 इंच यहाँ छोड़ के स्टेप नाप लेते हैं, जो कि 9 इंच पे हम रखते हैं। फिर ये आगे के पोर्शन में डॉट्स डाली जाती हैं, 1.5-1.5 इंची छोड़ के आप, ये हमारी कमर डॉट्स है, ये हमारी सामने की डॉट्स है, ये हमारे मुड्ढे की डॉट्स है, और ये हमारी साइड की डॉट्स है। 4 डॉट्स पड़ती हैं आगे की ब्लाउज में, जिससे कि हमारी कटोरी अच्छी तरीके से बन जाती हैं। और फिर इसके बाद में हम ये जो हमारा ब्लाउज की बाजू का ये कपड़ा है, जो कि हमारी बाजू का 4.5 इंच की लंबाई है, तो 4.5 की जगह हम 5.5 रखेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं मिल रहा है, इधर से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं मिल रहा है जिससे हम दबा सकें, तो हम इसमें अलग दूसरी पट्टी लगाएंगे, तब हम बाजू का दबाव कर सकेंगे।
ये हमारे बाजू का कपड़ा है जो कि हम काटने के बाद में, कटिंग करने के बाद में पहले आगे पोर्शन और पीछे का पोर्शन काटते हैं और कटिंग करने के बाद में फिर बाजू का निशान लगाते हैं। ये पीछे का पोर्शन का कट गया है। ये हमारे आगे का पोर्शन का पीस आ गया। अब इसमें जो है इधर की तरफ आप इसको, ये डॉट्स इधर का भीतर निशान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से रख के थोड़ा सा इसको इस तरीके से थपा देते हैं जिससे कि हमारी सारी डॉट्स एक सेकंड में इधर भी लग जाती हैं। और बाद में हम हल्के से इनको डार्क कर देते हैं जो कि हमारा ब्लाउज जल्दी जल्दी सिल जाए, बार बार नापना नहीं पड़ता है। ये हमारा आगे का पोर्शन तैयार हो गया। अब हमारा ये बाजू का पीस है जो बाजू के लिए हमने कपड़ा बचाया था। अगर हम चाहते तो इसमें और लॉन्ग बाजू अगर पसंद करते तो लॉन्ग बाजू भी ले सकते थे। इसमें इतना कपड़ा बचा हुआ है मगर हमको 4.5 इंच की चाहिए तो हम 5.5 इंच की बाजू लंबाई ले ले रहे हैं। आधा आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई चला जाएगा। इसको इस तरीके से लेने के बाद में चार पर्त कर लेते हैं। चार पर्त करने के बाद में देखते हैं मुड्ढे की लंबाई 7 तक होनी चाहिए मगर इसमें 7.5 है जिससे कि हमें दबाव बहुत अच्छा मिल जाएगा। जाने के बाद में फिर हम यहाँ पे 2.5 इंच के ये इस तरीके का दबाव के लिए जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है वो नाप लेते हैं। इसे लेने के बाद में फिर मुड्ढे का इस तरीके से निशान लगाएं जो कि आपको बहुत अच्छी फिटिंग देगा। ये पीछे का मुड्ढा तैयार हो रहा है और ये आगे के मुड्ढे का निशान बन रहा है इस तरीके से। और इसको काटने का तरीका इस तरीके से रहेगा, पहले पीछे का मुड्ढा काटिएगा, यहाँ से मोड़ के ऐसे कट जाता है। इसके बाद में आप इसको खोलिएगा, खोलने के बाद में ये आगे का मुड्ढा है। इस तरीके की कटिंग जो है ब्लाउज की बाजू जो है बहुत अच्छी फिटिंग देती है। और इन दोनों बाजुओं को हम अलग अलग कर लेंगे। बाजू का निशान लग गया है। अब हमारे पास देखिए इतना बड़ा ब्लाउज कटने के बाद में भी इतना कपड़ा बच गया है जिससे हम बटन पट्टी और हुक पट्टी आराम से निकाल सकते हैं। बहुत बहनों को तकलीफ़ रहती है कि इतने कभी ब्लाउज के में बॉर्डर नहीं मिलता है तो कभी बैक में बॉर्डर नहीं मिलता है। तो देखिए हम तिरछी पट्टी गले के लिए काट रहे हैं जो कि हम आपको निशान लगा के भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से निशान लगा के बनाइए। जितना आप पतला पसंद करना चाहती हैं पाइपिंग उतनी ही पतली पट्टी काटिएगा। इस तरीके से निशान लगा लेने से आपकी पट्टियाँ एक जैसी कटेंगी, ऐसा ना हो कहीं पट्टी पतली हो जाए कहीं मोटी हो जाए। आप कम से कम 5-6 पट्टी इतनी पट्टी में काट ली है। अगर कम पड़े तो और पट्टियाँ भी आप काट सकते हैं। अगर आपका गला ज़्यादा डीप है तो आपको अधिक पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसी तरीके से और पट्टियाँ भी काट सकती हैं।
ये लीजिए चार पट्टियाँ आपकी गले के लिए हमने तैयार कर ली हैं। और अब इसके बाद में हमारे पास डेढ़ जो कि हुक के लिए पट्टी और ढाई इंच की पट्टी काज के लिए चाहिए होती है, तो इसी कपड़े में हमको ढाई इंच की पट्टी ये ढाई इंच की पट्टी तैयार हो गई है। अब डेढ़ इंच की पट्टी के लिए अभी हमारे पास इतना कपड़ा और बकाया रह गया है, तो डेढ़ इंच की पट्टी भी आप आराम से डेढ़ इंच की पट्टी कट गई है। अब अगले वीडियो में हम आपको सिलने का तरीका बताएंगे। और हमारे पास इतना कपड़ा बच भी गया है ये है, और एक्स्ट्रा पट्टियाँ आपको काटनी हो तो काट सकती हैं। ब्लाउज में चिटपटी लगाने के लिए भी ये पट्टियाँ काम आएंगी, और बाजू में आप नीचे जो है ना पलटने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ेगी, उसमें भी ये कपड़ा हमारे काम आ जाएगा। इस तरीके से छोटे से कपड़े में हमने आपको पूरी तरीके से ब्लाउज बता दिया है। थैंक यू।